हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर। मैं हूँ नीलाक्षी कलिता। और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है YN कंटेंट फैक्ट्री में। तो आज हम कहाँ पे आए हैं नीलाक्षी? आज हम आए हैं एक ऐसे प्लेस पे जहाँ के बारे में हमने सुना है, बहुत रील्स वगैरह में देखा, बहुत ज्यादा देखा है, और स्पेशल डिशेज जो है उनके बारे में आज हम ट्राई करने आए। आज हम आए हैं 0 डिग्रीज ये रेस्टोरेंट में, और इनके बैनर पे अलग अलग डेलिकेसीज दिख रही है, फ्राइज दिख रही है, पास्ता दिख रहा है, और ये जार में सर्व किया है। तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट है ना, तो डेफिनेटली ट्राई करना है। हमने इसकी बहुत रील्स वगैरह देखी थी इंस्टा पे, तो इसके लिए आज हम यहाँ पे आए और यहाँ के डेलिकेसीज ट्राई करेंगे। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको मिल चाहिए। चलो हेलो हेलो तो मेन्यू तो इनका है ये 0 डिग्रीज। तो क्या मंगाएं नीलाक्षी, बताओ? बहुत ज़्यादा भूख लगी है उस हिसाब से देखो, इससे पेट भरता है। चलो मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है। हाँ, चलेगा? पिज्जा मंगाए। अच्छा, एक्सक्यूज मी, पिज्जा मिल जाएगा आपके यहाँ पे? हेलो, यस सर, मिल जाएगा। वो हार्ट शेप पिज्जा भी आपके पास मिल जाएगा? यस सर। ओह नाइस। तो कौन सा अच्छा है, मतलब वेज और नॉन वेज? वेज। या इफ यू लाइक वेजिटेबल्स यू कैन गो विद 0 एक्स्ट्रा वेगेंडा, इट इज द लाइक फार्म हाउस मील। भूख लग, लार्ज लाख लगा लो। अच्छा ठीक है, तो लार्ज पिज्जा एक लिखिए, 0 एक्स्ट्रा वेगेंडा। ओके, एनीथिंग एल्स? इतना लिखिए, एक बता दो। थैंक यू। फिलहाल हमने इतना तो ऑर्डर कर लिया है, अभी देखते हैं क्या और खा सकते हैं, मंगा सकते हैं। पिज्जा आने दो, ठीक है? नीलाक्षी का एम्बियंस काफी अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। कोच लिखे हैं, फिर लाइटिंग वगैरह, सीटिंग अरेंजमेंट सब बहुत अच्छा है। क्या देख रहे हो नीलाक्षी इतना तुम? इनकी मेन्यू देख रही हूँ, मतलब क्या क्या, हम तो एक चीज ऑर्डर कर ली, पर क्या क्या चीजें और मिलती है वो देख रही हूँ। तो क्या क्या है यहाँ पे? और सैंडविचेस है अलग अलग वेराइटी के, बर्गर्स है, स्लाइडर्स है, पिज्जा तो है ही, फ्राइज, जो जार का एक नया कॉन्सेप्ट है इनका, तो फ्राइज इन जार वो है, फिर गार्लिक ब्रेड है, मतलब जो नॉर्मली कैफेज में मिलती है, फिर डम्पलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और शेक्स वगैरह, मिठाई, डेजर्ट भी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो नीलाक्षी, तुमने इतने सारी चीज़ों का नाम लिया कि ये सब इतना मिलता है, बट मुझे ना भी और एक चीज़ देखने की, अगर ये इतना बता रहे हैं कि ये इतना सब कुछ है, तो मुझे ना भी, मतलब तुम बताए, मुझे तो खाना बनाना कितना अच्छा लगता है, तो आई वॉन्ट टू सी कि बनता कैसे है ये पिज्जा। जनरली कोई बताता तो नहीं है, बट जाके देखे, इनको पूछे क्या एटलीस्ट कि किचन में जाने देंगे हमें क्या, क्या लगता है तुमको? चलो पूछते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाय। एक्चुअली पूछना था मुझे कि अभी आपको वैरायटी हमने देखी, हम व्लॉग बना रहे हैं, तो मुझे पूछना था आपको कि मुझे हमारे दर्शकों को दिखाना था बेसिकली कि कैसे आपका मतलब बनता है खाना, तो क्या आप मतलब अलाउ कर सकते दिखाने के लिए? आपके लिए अलाउ करा सकता हूँ उस चीज़ को। थैंक यू सो मच। तो चलिए इनके किचन में जाते हैं और एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पे YN कंटेंट फैक्ट्री का आपको दिखेगा कि किचन में ये कैसे इनका पिज्जा बनता है। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं। चलो फॉलो कर लेते हैं। ओके, ये क्या पहननी है? यस सर। ओके, आई गेस वर्किंग किचन में ये कंपलसरी होता है, करेक्ट सर? प्लीज चलो। तो इनका किचन बहुत अच्छा है नीलाक्षी ना, क्लीन है मेनली, मतलब वो हमको एक होता है ना मन में कि किचन क्लीन नहीं होता, तो ऐसे नहीं है होटल का किचन, ये बहुत अच्छा है। इस बार हमने इनका किचन देख लिया, तो यहाँ पे बना रहे हैं ये पिज्जा, कैसे बना रहे हैं? एक मीडियम साइज पिज्जा 10 इंच का वेज लोडेड पिज्जा बना रहा हूँ। जो ये यूनिक शेप का पिज्ज़ा बनने जा रहा है, इस पर सारे टॉपिंग्स वगैरह, बेस, सब कुछ इन्होंने डाला है। इसमें इतने सारे चीज़, मतलब चीज़ लोडर, फिर वेजिटेबल्स, ब्रोकली, हेल्दी है, और उन्होंने एक्जॉटिक वेजिटेबल्स यूज़ किया है, और अभी ये मेरे खाने में ऐसे लग रहा, देख के मुझे लग रहा है मैं कब खाऊं, और मैं कब टेस्ट करके रिव्यू बताऊं मेरा। जिस तरह से उनकी प्रेजेंटेशन है, मतलब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी है, तो देख के ही एक यू नो खाने का मन कर रहा है, तो ये बेक होने देते हैं, उसके बाद हम खाते।
बताएंगे रिव्यू हमारा कैसे। चलो उफ नीलाक्षी, पिज्जा तो बहुत अच्छा लगा ना, देख के ना, देख के तो अच्छा लगा, अभी खा के भी देखेंगे कि कैसा लगता है। यश एक सेकंड ना, यहाँ पे बार भी दिखता है तो कुछ, चलो बार भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते क्या अच्छा मिलता है। चलो द हेड सेज जिम बट हार्ट सेज प्राइस, वाह क्या थॉट लिखी है। एक्सक्यूज मी, क्या अच्छा मिलता है यहाँ पे? कूलर्स है, शेक्स है, तो कौन सा आपका हॉट सेलिंग कौन सा है? हॉट चोको ब्राउनी। ओके ये ठीक है, तो ये मंगा सकते हैं। ठीक है ये एक हमारे लिए प्लीज बना दीजिए। और लक्ष्मी हमारा पिज्जा भी आ गया, चलो हम पिज्जा का जब तक ये भी बना Your extra vegan pizza? Yes, thank you. दिखने में काफी delicious लग रहा है यहाँ ये pizza. खुशबू जो आ रही है, जो खुशबू ऐसे आई हमें, taste करेंगे। चलो, let's try this pizza. Cheers. कैसा है taste? काफी अच्छा है and ऑथेंटिक जो फ्लेवर्स आते हैं ना वेजिटेबल्स के, वो फ्लेवर्स एक स्टॉन्गी जो एक टेस्ट आती है ना, वो टेस्ट मुझे आ रही है। एंड चीज़ की तो टेस्ट किसको अच्छी नहीं लगती भाई, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। खाओ तुम खाओ अभी। पिज्जा तो बहुत अच्छा था ना नीलाक्षी, बहुत टेस्टी था, तो फुल फिलिंग भी था। वाह अभी देखो हमारे फ्राइज भी आ गए हैं, थैंक यू बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब ऐसे सजा के रखा है ना, खाने का मन भी कर रहा है, पर खाएंगे तो थोड़ा डेकोरेशन का ही हो जाएगा, पर बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। सॉस है, इट्स वेरी टेस्टी, कैसा लगा? क्रिस्पी है और सॉस का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। आप रे ये तो क्या नीलाक्षी, देख के ही मेरे को मेरा पेट भर गया। ओके फ्रीक शेक, चलो फ्रीकिन कैसे खाते इसको, खाते कैसे यार, ट्राई करते हैं। चलो ऐसी मैंने खाया, मुझे तो मीठी चीजें वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है, अभी पीते हैं इसको, बहुत टेस्टी है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे जो मैनेजर हैं उनसे। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? सरफराज खान, आई एम मैनेजर हियर। ओके सरफराज जी, ये जो प्लेस है इसके बारे में कुछ बताइए कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ और मुंबई में कब से है? मैम इस्टेब्लिश की बात किया जाए तो फर्स्ट इस्टेब्लिश दिल्ली में हुआ था, एल ब्लॉक कैनाट प्लेस 2018 इज द फर्स्ट स्टार्टिंग, एंड दिस टाइम ऑल ओवर इंडिया द 100 प्लस आउटलेट इज कम्प्लीट। और मुंबई की बात किया जाए, पहले मुंबई में आते हैं तो मुंबई में दो प्रॉपर्टीज है, एक नवी मुंबई खारगर में और सेकंड यार इज़ द वर्सो अंधेरी, और ऑल ओवर इंडिया इन द गोवा, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता। और आप यहाँ कब से हैं? मैम इज़ अ जीरो डिग्री के साथ मैं काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, इससे पहले मैं खारगर सिटी में था मुंबई में, देन विल बी शिफ्टेड एंड न्यू प्रॉपर्टीज हियर, देन विल बी शिफ्ट इट साइड। It's a nice place. Thank you for having us. Thank you so much, ma'am. Thank you. यही था ये place पूरा zero degrees के बारे में, हम दोनों को काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है। आप लोग ज़रूर यहाँ पे आ सकते हैं, एड्रेस जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वर्सोवा बीच के एग्जैक्ट सामने ये प्लेस है, ज़रूर यहाँ पे आइए एंड हमें काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। एंड फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल YN कंटेंट फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू सो मच, बाय बाय।